अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, हमारे पास ASP.NET के अंदर एक प्रोजेक्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और अब यहां पे हम पार्ट 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 6 के अंदर हमने क्या किया था? पार्ट 6 के अंदर हमने अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म का डेटा अपने डेटाबेस के एक टेबल के अंदर इंसर्ट करवाया था, सबमिट करवाया था। ठीक है, तो देखो वहां पे आपको याद होगा कि जब भी हम कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर डेटा इंसर्ट करवा रहे थे तो जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट बॉक्स आ रहा था जिसके अंदर मैसेज क्या शो हो रहा था, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, लेकिन वो जो जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बॉक्स है, अलर्ट पॉपअप है, वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक ब्यूटीफुल अलर्ट पॉपअप का प्लगइन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि हम अपनी इसी वेबसाइट के प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो हम जावास्क्रिप्ट का अलर्ट यूज कर रहे थे उससे हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है, मतलब हम एक खूबसूरत अलर्ट पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट में, जो कि हमारे वेबसाइट के यूजर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, और उस पॉपअप प्लगइन का नाम क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, हमारे पास एक प्लगइन है जावास्क्रिप्ट का जिसका नाम है स्वीट अलर्ट 2। ठीक है, और ये जो आपको एक पॉपअप मैसेज नजर आ रहा है इसी को मैं कह रहा हूँ स्वीट अलर्ट। मतलब देखो, नाम ही इसका स्वीट अलर्ट है। ठीक है, मतलब मीठा सा अलर्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव लुक आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब देखो, अगर मैं आपको अपना वो जावास्क्रिप्ट का अलर्ट दिखाऊं तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में। ठीक है, पहले इसको रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो देखो मैं अपने कॉन्टेक्टर्स के पेज पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक डेटा इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कहता हूँ आमिर। ठीक है, और मैं ईमेल यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ईमेल सेट कर दी। ठीक है, मैं यहाँ पे सजेशन पास कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट में मैं यहाँ पे कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ इम्प्रूव योर UI यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो, ये जो आपको अलर्ट मैसेज शो हो रहा है, अलर्ट पॉपअप मैसेज शो हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के अलर्ट मेथड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे स्वीट अलर्ट प्लगइन, ये जो जिसका मैंने आपको यहाँ पे लुक दिखाया, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर देखो सक्सेस का आइकन भी आ रहा है, एक टाइटल भी है, नीचे मैसेज भी है, और बटन्स वगैरह हम इसके अंदर अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्वीट अलर्ट का जो प्लगइन है ये मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करूंगा, और ये जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, इसकी जगह पे मैं अपना स्वीट अलर्ट वाला पॉपअप यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है स्वीट अलर्ट की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप चले जाओ, आप लिखोगे स्वीट अलर्ट 2, और जैसे ही स्वीट अलर्ट 2 लिखोगे तो यहाँ पे देखो आपको पहला लिंक नजर आ रहा होगा, स्वीट अलर्ट 2, अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव कस्टमाइजेबल। ठीक है, देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो स्वीट अलर्ट 2 की वेबसाइट आ गई। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपेयर करके दिखा रहा है, मतलब जो नॉर्मल अलर्ट है जावास्क्रिप्ट का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो इस तरह से आ रहा है। लेकिन अगर मैं स्वीट अलर्ट यहाँ पे यूज करूँ, ठीक है, देखो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो कितना खूबसूरत और कितना मतलब लाजवाब आपके पास ये स्वीट अलर्ट का मैसेज शो हो रहा है। ठीक है, देखो अलर्ट के लिए हम ये कोड लिखते थे, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का ये प्लगइन चाहिए तो मुझे ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये प्लगइन है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसकी कुछ फाइल्स भी डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फाइल्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट साइड पे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा इंस्टॉलेशन का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ग्रैब फ्रॉम JS डिलीवर CDN। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो ये नीचे आपको इसी की फाइल्स दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आपने फाइल्स डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का आइकन नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो ये नीचे स्वीट अलर्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक zip फाइल में ये डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और शो इन फोल्डर पे जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास स्वीट अलर्ट 2 आ गया। ठीक है, RAR फाइल के अंदर है। सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ एक्सट्रैक्ट 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो नीचे एक फोल्डर आ गया, आपने इस फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे एक और फोल्डर है पैकेज का, आपने इसके अंदर जाना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा डिस्ट का, आपने इस डिस्ट के फोल्डर को कॉपी करना है। फिर मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, यहाँ पे आके अपना प्रोजेक्ट हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो TMS प्रोजेक्ट है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये डिस्ट का हमारे पास फोल्डर आ गया है। ठीक है,
लेकिन देखो यहाँ पे ये एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो डिस्क के ऊपर, और यहाँ पे देखो ओपन फोल्डर एंड फाइल एक्सप्लोर, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे स्वीट अलर्ट 2 की CSS फाइल भी मौजूद है, जावास्क्रिप्ट की फाइल मौजूद है, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे स्वीट अलर्ट 2 मिन की एक CSS फाइल भी चाहिए, और स्वीट अलर्ट 2.min यहाँ पे देखो इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे ये दो फाइल चाहिए, ठीक है। मतलब इनको मुझे लिंक करवाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो आप देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे हम चलते हैं अपने डिफॉल्ट के पेज के ऊपर, ठीक है। बल्कि हमें जाना है अपने मास्टर पेज के ऊपर, क्योंकि जो मैं फाइल्स लिंक करवाऊंगा ये अपने मास्टर पेज में लिंक करवाऊंगा, ताकि ये जो स्वीट अलर्ट का प्लगइन है ये मैं जिस पेज पे चाहूँ उस पेज पे मैं यूज कर सकता हूँ, तभी मैं इसको मास्टर पेज में रख रहा हूँ। तो देखो हम यहाँ पे आते हैं, देखो ये लिंक का टैग आपको नजर आ रहा है, मैं ये लिंक का टैग यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अब कहता हूँ कि भाई हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर डिस्ट का फोल्डर, ठीक है, डिस्ट का फोल्डर यहाँ पे ऐड किया, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे एक फाइल चाहिए जिसका नाम है स्वीट अलर्ट 2.min.css, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे चाहिए जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। तो देखो स्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं वो हम सबको पता है कि हम बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले रखते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में, स्वीट अलर्ट के केस में, जब हम ASP.NET वेब फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग अपने इस हेड सेक्शन के अंदर ही रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले लिखोगे तो वो शायद आपके पास वर्क ना करें, ठीक है। तो मैं SRC यहाँ पे लेता हूँ, और मैं यहाँ पे दोबारा डिस्ट के अंदर हमारे पास ये वाली एक फाइल है जिसका नाम है .min.js, ठीक है। तो देखो CSS की फाइल और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही तरह से लिंक करवा लिया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने कॉन्टेक्ट वाले पेज के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो देखो अपने कॉन्टेक्ट वाले पेज के बिल्कुल टॉप पे आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास दो कंटेंट प्लेस होल्डर होते हैं ना, एक कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट पेज का सारा कोड ऐड किया था, यहाँ पे देखो टॉप पे एक और आपके पास कंटेंट प्लेस होल्डर है। मैं इसके अंदर आता हूँ, और मैं इसके अंदर अपना एक स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे ओपन करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर जो टाइप होगी, ठीक है, टाइप मैं इसके अंदर कह दूंगा कि टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट है। और अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे कहता हूँ सक्सेस कॉन्टेक्ट, ठीक है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ सक्सेस कॉन्टेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं वो वाला कोड पेस्ट कर लूंगा, कौन सा वाला कोड, देखो मैं स्वीट अलर्ट में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम पीछे जाते हैं अपने मेन पेज के ऊपर, ठीक है, और सबसे टॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे ये वाला मैसेज चाहिए, मतलब जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे अलर्ट चाहिए। तो देखो इसका कोड नीचे ही गिवन है, ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ, और ये मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ अपने इस फंक्शन पे, ठीक है। ठीक है, तो ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, ठीक है। टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे वही जो मैसेज मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के अलर्ट में डिस्प्ले करवाया था, जिसका नाम था, मतलब जिसके अंदर मैंने क्या लिखा था, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वो मैसेज अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। और आइकन मुझे कौन सा चाहिए, आइकन मुझे चाहिए सक्सेस, सक्सेस का ये जो थर्ड नंबर पे मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया है, सक्सेस का मतलब है ग्रीन कलर का आइकन शो करवाएगा, ठीक है। अगर आपको एरर मिलता तो यहाँ पे आप एरर लिखते, ठीक है। तो देखो अब ये वाला जो मेरे पास फंक्शन है, ये मैं कॉल कहाँ पे करूंगा, देखो देखो इसका नाम हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने कॉन्टेक्ट डॉट ASPX में, अब देखो अब ये वाली जो लाइन है ना, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट मैसेज था, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर दोबारा मुझे ये जावास्क्रिप्ट का टैग ओपन करना है, और इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं डायरेक्ट अपना ये फंक्शन पास कर देता हूँ जिसका क्या नाम है सक्सेस कॉन्टेक्ट, ठीक है। मतलब अब ये फंक्शन कॉल करूंगा तो ये हमें स्वीट अलर्ट का जो अलर्ट पॉपअप है वो मैसेज हमें डिस्प्ले करवाएगा, और उसके अंदर हमारा सक्सेस का मैसेज शो होगा, ठीक है, सही है। तो देखो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। देखो हमारा ये होम पेज आ चुका है, अब हम कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चलते हैं, ठीक है। और अब देखो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एक और फॉर्म इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सैरा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ sarah123@gmail.com, ठीक है, और यहाँ पे हम फीडबैक दे देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं गुड वर्क, ठीक है। और अब मैं सबमिट करता हूँ, तो अब आप रिजल्ट देख, अच्छा देखो फॉर्म तो सबमिट हो गया, लेकिन वो जो स्वीट अलर्ट का पॉपअप मैसेज था वो शो नहीं हुआ, ठीक है,
इसको देख लेते हैं क्या इशू है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं, विजुअल स्टूडियो में जाके इसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने इस कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मैंने अपना ये जो सक्सेस कॉन्टैक्ट वाला मेथड, जावास्क्रिप्ट का मेथड यहाँ पे कॉल करवाया, देखो हम इसको इस तरह से कॉल नहीं करवाएंगे, ठीक है। देखो मैं ये वाली लाइन कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है। और इसको जब भी हम कॉल करवाएंगे ना मेथड को, तो उसका एक दूसरा तरीका है, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट किया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट मैनेजर की एक क्लास यूज की है, ठीक है। इसके अंदर मैंने रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट का मैंने एक मेथड यूज किया है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या पास किया है, दिस का कीवर्ड, ठीक है। फिर गेट टाइप का मेथड पास किया है। थर्ड में मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी का एक नाम दे दिया है पॉपअप। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अब मैं अपने फंक्शन का नाम दे दूंगा, ठीक है। हमारे फंक्शन का क्या नाम है, हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो हमारे इस फंक्शन का नाम है सक्सेस कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके जो पॉपअप के बाद यहाँ पे मैं अपना ये जो फंक्शन है मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और एंड में हमने क्या दिया है, ट्रू दिया है, ठीक है। मतलब जब भी हम जावास्क्रिप्ट का मेथड इस तरह से स्वीट अलर्ट के लिए कॉल करेंगे, तो हमें ये वाली लाइन लाजमी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इस तरह से कर रहे थे तो हमारा वो जो मैसेज था वो हमें शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। देखो अब मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज में दोबारा जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना डेटा इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सदफ, ठीक है। और यहाँ पे हम कह देते हैं sadaf23@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे हम सजेशन या फीडबैक पास कर देते हैं और यहाँ पे हम कह देते हैं वेल डन कर देते हैं। और यहाँ पे आके अब मैं सबमिट करता हूँ, तो आप जल्द देखना, तो देखो अब आपके पास मैसेज आ रहा है, देखो सक्सेस वाला आइकन शो हो रहा है, ग्रीन टिक वाला, सक्सेस का टाइटल शो हो रहा है, और जो हमने मैसेज सेट किया था वो भी हमारे पास बिल्कुल सही तरह से सेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बताता जाऊं, ये जो हमारे पास स्वीट अलर्ट 2 का प्लगइन है, इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। मतलब अभी तो जस्ट मैंने उसका एक छोटा सा कोड कॉपी पेस्ट किया है जितना मुझे नीड थी, ठीक है। लेकिन ये जो स्वीट अलर्ट का जो प्लगइन है, ये जो आपके पास पॉपअप है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, और वो सारी मैंने अपनी एक अलग प्लेलिस्ट में समझाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर दो वीडियोस हैं और वो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। क्योंकि ये जो आपको अलर्ट बॉक्स दिख रहा है स्वीट अलर्ट का, सिर्फ यही काफी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप और भी ऐड कर सकते हो, पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग बटन्स भी ऐड कर सकते हो, उन सब की कोडिंग विद प्रैक्टिकल वो मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मजीद इसको और इन्हेंस करना चाह रहे हो, इसके साथ और काम करना चाह रहे हो, तो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी देखो, ये जो मैंने काम किया है ये सक्सेस मैसेज के लिए काम किया है। अगर फॉर एग्जांपल एरर आ जाता है, तो एरर के लिए जो मैंने एल्स पार्ट में कोडिंग की थी उसके अंदर मुझे काम करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करता हूँ। अब देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एल्स पार्ट के अंदर, ठीक है। एल्स पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो इसका मैसेज था, ठीक है, फॉर्म इंसर्शन फील्ड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब हम चलते हैं अपने दोबारा कॉन्टैक्ट पेज पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया था, ये था सक्सेस कॉन्टैक्ट, मतलब जब सक्सेस मैसेज आएगा तो उसके लिए ये वाला फंक्शन काम करेगा। अब मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एरर कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सक्सेस की जगह मैं यहाँ पे टाइटल मैसेज पास कर देता हूँ फेलियर, और यहाँ पे मैं एक एरर मैसेज पास करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर्म इंसर्शन फेल्ड, ठीक है। आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हो। और अब देखो ये जो थर्ड में यहाँ पे मुझे आइकन देना है, और मुझे यहाँ पे आइकन देना है एरर का, ठीक हो गया, सही है। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, कहाँ कॉल करूंगा, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, हम यहाँ पे आते हैं अपने एल्स पार्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो सक्सेस कॉन्टेक्ट था, अब मैं यहाँ पे फंक्शन पास करूंगा एरर कॉन्टेक्ट, ठीक है। और ये जो पहली लाइन है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है। मतलब अभी तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर, इसलिए हमारे पास इफ वाला ही पार्ट चलेगा, लेकिन अगर कभी भी इनकेस एरर आता है तो यहाँ पे हमें ये वाला अलर्ट मैसेज शो होगा, ठीक है, जिसके लिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर एरर का आइकन दिया है, और उस फंक्शन का नाम मैंने मेथड का नाम यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो देखो मैंने जितना भी डेटा अभी यहाँ पे इंसर्ट करवाया वो सारा डेटा मेरे डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो अगर आपको चेक करना है, ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे जाते हैं, डेटा कनेक्शंस में जाते हैं हम,
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने टेबल्स के अंदर, ठीक है। टेबल्स के अंदर हमने एक कॉन्टेक्ट टीबीएल बनाया हुआ, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, शो टेबल डेटा करते हैं। तो यहाँ पे देखो, देख रहे हो यहाँ पे जितना भी मैंने फॉर्म से मैं डेटा इंसर्ट कर रहा था, वो सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखो, आईडी के ऊपर चूंकि मैंने आइडेंटिटी लगाया था और प्राइमरी की लगाया था, तो आइडेंटिटी की वजह से यहाँ पे देखो वन बाय वन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारे इस ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 7, जिसके अंदर मैंने ये अलर्ट का एक ब्यूटीफुल पॉपअप प्लगइन आपको ऐड करना सिखाया है, ठीक है। देखो ये ऑप्शनल है, अगर आप ये अलर्ट पॉपअप डालना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट में तो डाल सकते हो, वरना अगर आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट का अलर्ट यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और आगे बात करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।